वाला मकान ये है, पिछले साल 2013 में बाढ़ आई थी, पूरा मकान ये हमारा डूब गया था। किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने आके पूछा नहीं आपको क्या हेल्प चाहिए कुछ चाहिए। और आज भी वही कंडीशन है, कोई किसी को यहाँ पे आके किसी को कुछ नहीं कहा गया कि हमें पानी छोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सब लोग परेशान है, पूरी रात लोग जागे हैं यहाँ पर। क्या कह रहा है यहाँ के पार्षद? तो अभी क्या पानी आपके यहाँ भी आ रहा है? पानी सर यहाँ तक आ गए, सारे मकान अपने ही, ये भी अपना है पूरा, हम सारा सामान बांध रहे हैं, इधर रखे कहाँ रखे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 24 घंटे में हुई बरसात के चलते, और खासतौर पर बेहट एरिया के क्षेत्र में जो बरसात हुई है, 140 मिलीमीटर ज़्यादा बरसात होने के चलते जो टॉरेंट्स हैं और खेतों में जो भरा हुआ पानी है, वो पानी बह करके यहाँ से निकल रहा है। और इसके चलते कुछ रूरल एरियाज़ में और महानगर पालिका के कुछ एरियाज़ में जो लो लाइंग मोहल्ले हैं, वहाँ पर पानी भरने की जलभराव की समस्या कल शाम से स्टार्ट हुई। कल शाम को पानी भरने की समस्या कम थी, लेकिन ये सवेरे 4 बजे के बाद फ्लो भी तेज़ हो रहा है, डेप्थ भी बढ़ रही है और संख्या भी, पानी की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा हो रही है। अभी मालूम किया गया हथनी कुंड बैराज में, वहाँ से पानी इतना ज़्यादा छोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए मात्र जो आसपास भरा हुआ पानी है वो निकल रहा है। ऐसी अनुमान ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि 2-3 घंटे के अंदर पानी कम हो जाएगा, क्योंकि बरसात फिलहाल नहीं हो रही है ना ऊपर कैचमेंट एरिया में और ना ही इन सब एरिया में। सर कितने जो मकान है खाली जो करवाए गए हैं? वही हम सवेरे से लगभग 8 बजे से हम और हमारी पूरी टीम, ADM, SDM, तहसीलदार, नगर निगम, सभी लोग साथ में रह करके हम लोग घूम रहे हैं। पुलिस की टीम को भी साथ में रखा गया है। जिन जिन जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, वहाँ पर पानी लोग उसको क्रॉस ना करें, उसके लिए पुलिस और महानगर पालिका अपनी व्यवस्था कर रही है। नायब तहसीलदार, कानून गो और तहसीलदार सभी जगहों पर जो मकान जर्जरित हैं उन और जो जिनमें पानी भर गया है उनको वहां से निकाल करके कृषि विज्ञान केंद्र और आसपास के जो भी शेल्टर हाउसेज, जो स्कूल्स हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया गया शेल्टर हाउसेज में। स्कूल में छुट्टी उन स्कूलों में कर दी गई है और वहां पर खाने पीने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग जहाँ जलभराव है वहाँ वो खेलने के चक्कर में कुछ बच्चे बाहर निकल रहे हैं या जो लोग हैं वो घर के अंदर अभी भी पड़े हैं, वो लोग तुरंत सुरक्षित स्थान, जो चिन्हित स्थान है वहाँ पे चले जाएं। हर जगह पर लेखपाल की ड्यूटी लगी है, कानूनगो की ड्यूटी लगी है, महानगर पालिका के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं। सर आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी कि जिन लोगों ने अवैध वो काटे थे कॉलोनी का? ये बात की बात है, फिलहाल तो जरूरत इस चीज़ की है कि जहाँ पानी भरा है वहाँ के लोगों को हम बाहर निकालें।